संजय दत्त, पूजा भट्ट, महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की फिल्म सड़क सुपर डुपर हिट होते ही सभी को लगा कि इस तरह की फिल्में अब चलने लगेंगी बॉलीवुड। सभी निर्माता निर्देशक इस तरह के टाइटल रखकर फिल्में बनाना शुरू करने लगे और संजय दत्त सबके फेवरेट हो गए थे। इस समय सबसे पहले बाजी मारी मुकेश दुग्गल ने, निर्माता मुकेश दुग्गल ने। उन्होंने एक फिल्म शुरू करी प्लेटफॉर्म। ये फिल्म जो थी, ये जो टाइटल था, ये सड़क फिल्म से थोड़ा जो मिलता जुलता था और उन्होंने संजय दत्त को लेकर प्लेटफॉर्म फिल्म बनाने की प्लानिंग करी। डायरेक्टर साइन किया दीपक पवार। जैसे ये फिल्म अनाउंस हुई संजय दत्त प्लेटफॉर्म, तो ये फिल्म गर्म हो। डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंसर सभी मुकेश दुग्गल के ऑफिस में चक्कर लगाने लगे। सिनेमा प्रेमी लोग भी इस फिल्म का इंतजार करने लगे, लेकिन ये फिल्म कभी बन नहीं पाई क्योंकि उस वक्त संजय दत्त का नाम बम कांड में आ गया था और संजय दत्त का टाइम अब स्टूडियो में, घर में कम और पुलिस स्टेशन में ज्यादा बीतने लगा। ऐसे में सभी निर्माता निर्देशक घबरा गए और कई फिल्मों से संजय दत्त को निकाल दिया गया। उन्हीं में से एक फिल्म थी प्लेटफॉर्म। निर्माता मुकेश दुग्गल ने तुरंत संजय दत्त को निकाल के इस फिल्म में अजय देवगन को साइन कर लिया। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो कुछ खास नहीं चली। लोगों का कहना था कि अगर संजय दत्त होता तो ज्यादा चल, लेकिन अजय देवगन ने भी बेहतर अभी नहीं किया था। लेकिन बोलने वाले तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहे। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर इस फिल्म में, प्लेटफॉर्म फिल्म में अजय देवगन की जगह संजय दत्त हीरो होते तो ये फिल्म ज्यादा चलती या नहीं चलती? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर ये फिल्म बन जाती प्लेटफॉर्म संजय दत्त, तो इसका पोस्टर कुछ इस तरह का होगा। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड का एक छोटा सा किस्सा, छोटी सी कहानी। ऐसी बहुत सारी कहानी, बहुत सारे किस्से हमारे पास मौजूद है। अगर आप उन किस्से कहानियों से जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।